हाय गाइस, हाउ आर यू। हमारे यूट्यूब चैनल फ्रूटी फटाफट आइडियाज पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चा टमाटर की सब्जी। जी हाँ, कच्चे टमाटर की सब्जी बहुत ज्यादा स्वाद बनती है, जरूर बनाइए। पके टमाटर की सब्जी तो हम सभी ने कभी ना कभी जरूर खाई है, लेकिन आज हम बना रहे हैं कच्चा टमाटर की सब्जी। ये मैं टमाटर ले रही हूँ अपने किचन गार्डन से, मार्केट में भी कच्चा टमाटर मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं किचन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कच्चा टमाटर की सब्जी कैसे बना रहे हैं। 400 ग्राम मैंने कच्चा टमाटर लिया, जिसे मैंने मीडियम साइज में काट लिया है। और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ सौंफ, जो कि इस डिश के लिए बहुत जरूरी है। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ हल्दी। 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। और 1 टेबलस्पून ले रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और 2 बड़ी मैंने ली है हरी मिर्ची। और 2 मीडियम साइज मैंने प्याज कटा हुआ। और 1 मीडियम साइज का टमाटर ले रही हूँ। टमाटर इसमें ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं इसमें लाल टमाटर थोड़ा सा डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून हमें चाहिए जीरा। 1/2 टीस्पून हमें चाहिए राई। और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ साबुत धनिया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कच्चा टमाटर की उम्मीद। तो गाइस, गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया। अब इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा, राई और साबुत धनिया। जीरा हमारा चटक चुका है, राई भी। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। उसी के साथ हम डाल रहे हैं कटी हुई हरी मिर्च। मैंने इसे थोड़ा मोटा काटा है, ताकि खाने के टाइम अगर निकालना चाहे तो निकाल सके। फ्रेंड्स, हमें इसमें इसे ब्राउन होने तक भून लेना है। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारा सॉटी हो गया है, काफी भून चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। 1 टेबलस्पून नमक ले रही हूं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सौंफ और हल्दी। 1 टीस्पून हल्दी। जब ये भून जाए तब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी थोड़ा भून लेना है। सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, जरूर ट्राई करें। लाल टमाटर की सब्जी हमने बहुत बार बनाई है, बहुत बार खाई है। इस बार आप कच्चे टमाटर की सब्जी बनाएं और सबको खिलाएं। नीचे जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा भून चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, लाल टमाटर। हिलाते रहना। टमाटर के तेल छोड़ने तक हमने इसे भूनना है। तो फ्रेंड्स, टमाटर हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। मैंने इसे कलछी से मैश कर लिया है। टमाटर ने हमारे तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे सब्जी, कच्चा टमाटर कटा हुआ।
आपने हिलाना है। फ्रेंड्स आप सब्जी जरूर बनाइए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अभी इसे ढक देते हैं। दो मिनट के लिए ढक देते हैं, उसके बाद हम इसे चेक करते हैं और फ्लेम को हम लो मीडियम पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जी हमारी हम चेक कर लेते हैं कितना पक चुकी है। बीच बीच में खोल के देखते रहना है टमाटर हमारा गल गया है कि नहीं गला, ताकि सब्जी भी नीचे ना लग जाए। नीचे सब्जी हमारी बनके तैयार है, टमाटर गल चुका है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स कच्चे टमाटर की सब्जी हमारी बनके तैयार है, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू से अब दिल कर रहा है अभी इसको खाने बैठ जाएं। आप इसे इसके साथ दाल भी हो जाए तो क्या बात है। तो ठीक है गाइस, आप इसे रोटी चावल पूड़ी कैसे भी खाएं तो ठीक है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं और नए नए वीडियोस लेके आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।